Hello, good morning students. I am Pushpen Singh and today we will learn class 2nd का subject में chapter 10 add our points. तो इस chapter 10 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने points को add करेंगे. और इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हम आज today's topic है, हमारा आज का topic killer result. तो killer result के बारे में हमने क्या पढ़ा था, online class में पढ़ चुका था. और ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हुए जिसमें कुछ बच्चे ऐड हो पाए थे, कुछ नहीं ऐड हो पाए थे, हो सकता है मोबाइल लगा हो, तो आज हम उसको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बता रहे हैं. ओके, सो आप भी पेज नंबर अपना 82 ओपन कर लीजिए, मैथ का बुक का पेज नंबर 82. इसमें किलर रिजल्ट के बारे में आपको आज पढ़ाया जाएगा. तो एक यहाँ पर क्या है, रिजल्ट मूव्स फ्रॉम वन होल टू अनदर एज इट मूव्स इट इट्स इंसेक्ट्स hidden in the hole. तो एक लिजर्ड है, ये जो कि आपने बना हुआ छतरी अपने घरों में ही पाई जाती होगी, है ना. तो क्या करती है, एक होल से दूसरे होल में जाती है ना. ये होल है, यहाँ से ये पथ है रास्ता, यहाँ से होते हुए दूसरे रास्ते में जाती है. और क्या करती है, ये इंसेक्ट्स जो इसमें कीड़े मकोड़े हैं, इस होल में ये 6 इंसेक्ट्स है ना. इस ये दूसरे होल में गई तो यहाँ पर कितने इंसेक्ट्स है, 3 इंसेक्ट. नेक्स्ट 5 इंसेक्ट्स, 9, 8, इस तरह वो सभी होल में जा जा कर के क्या करती है, इंसेक्ट्स को खाती है, कीड़े मकोड़ों को, है ना. तो जिस होल में जाती है उसमें यहाँ नंबर लिखा हुआ है कि कितने इंसेक्ट उसको खाने के लिए मिल रहे हैं, है ना. तो द नंबर ऑफ इंसेक्ट इन ईच होल इज सो द लिजर्ड कैन मूव ओनली अराउंड द लाइन. और लिजर्ड कहाँ पर मूव कर सकती है, केवल लाइन जो पास बने रास्ते बने हुए हैं, तो यहाँ पर मूव कर सकती है. यहाँ से सीधे यहाँ नहीं आ सकती है, यहाँ से नहीं आ सकती, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ यहाँ ऐसे जा सकती है ना, लिजर्ड मूव कर सकती है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लू होल इन द पिक्चर, आपके बुक में नीली होल होगी एक बार, तो यहाँ से स्टार्ट करती है लिजर्ड. द लिजर्ड गोस टू 3 होल्स टू ईट 18 इंसेक्ट्स. तो पहले उसको कितने इंसेक्ट्स लेना है, क्वेश्चन है, व्हाट पथ कैन द लिजर्ड टेक टू ईट 18. कितने इंसेक्ट्स खाने के लिए, 18 इंसेक्ट्स खाने के लिए वह कितने तीन पथ में तीन होल में जाते हैं, 1, 2, 3. तो कौन कौन से ऐसे होल में गई लिजर्ड कि उसको 18 इंसेक्ट्स खाने को मिल गए टोटल, है ना. तो हम लोगों को क्या करना है, पहले ऐड करना है, और ऐड हमारा क्या आना चाहिए, टोटल 18 आना चाहिए. तो लिजर्ड तो हमारे पास पहले लिजर्ड कहाँ से गई, ये एक ने, है ना. सो स्टूडेंट भी राइट किया एक. नेक्स्ट 1 तो हमने वहां पर लिखा, एंड नेक्स्ट 2 ये 8 + 1 9 हुआ, और 9 + 9 क्या हो गया, 18 हो गया. ओके, 8 + 1 9 9 9 + 9 क्या हुआ, 18. तो रिजल्ट कौन सा रास्ता जा रही है, पहले 8 में गई ए वाले होल में, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लास्ट. ओके, अब नेक्स्ट करते हैं, व्हाट फॉर कैन द लिजर्ड टेक टू ईट 12 इंसेक्ट्स. अब लिजर्ड को कितने इंसेक्ट्स खाना है, 12 इंसेक्ट्स खाना है. कितने होल में जा सकती है, जा रही है वो 3 होल्स में गई. तो ऐसे कौन कौन से होल हैं जिनको हम प्लस करेंगे इंसेक्ट्स की संख्या को, तो वो 12 आ जाए. तो 3 होल्स हमको सिलेक्ट करने हैं. चलिए पहले रिजल्ट जाती है 2 में. ओके, यहां पर हम 2, नेक्स्ट 1 2 1 3 3 प्लस 9 3 प्लस 9 कितना हुआ, 18. यहां 2 गई, 2 से 1, 1 से 2 के बाद 9 गई. तो ये और अपन इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपना, 2 प्लस 1 3 then 9 3 3 plus 9 12. so अपन के आज वो उस 12 इंसेक्ट्स मिल गए. तो रास्ता कौन कौन सा, रास्ता के लिए 2 नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 9. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी. ऐसे कौन कौन से संख्याओं में जा फोर में जाती है उसको 20 इंसेक्ट्स खाने को मिलते हैं रिजल्ट को, है ना. तो अपन देखते हैं 20 इंसेक्ट्स के लिए वो कौन से रास्ते से गई, पहले कहाँ जाती है, वो 8 में गई, पहले 8 में उसको
तो 18 सेट्स का एक मिले। नेक्स्ट 8 के बाद 3 मिले, तो 83 कितना हो गया, 8 और 3 आपको क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग काउंट 8 एंड काउंट मोर 3। स्टार्ट आप 8 से स्टार्ट करें, 3 काउंट करिए, 8 9 10 11 ये 3 हमने काउंट किया, देन 11 स्टार्टिंग पॉइंट 11 टू काउंट 20, तो 11 से 20 तक काउंट करेंगे तो हमको क्या आएगा, 9 आएगा। तो अब 3 के बाद कहां जा सकते हैं, विराट कहां गई, ये 9, तो 8 3 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 20। 8 3 प्लस 9 सॉरी 8 प्लस 3 प्लस 9 20। आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, विराट की संख्या को 8 प्लस 3 स्टार्टिंग पॉइंट 8 टू काउंट 3 मोर्स, तो 8 और 3 क्या हुआ 11, एंड स्टार्टिंग पॉइंट 11 टू काउंट 9 मोर्स, तो स्टार्ट 11 स्टार्ट करके 9 मोर काउंट करिए, 11 12 13 14 15 16 देन 17 18 19 20, इस तरह 9 काउंट किए और आ गया 20 आ गया हमारा है। अब नेक्स्ट डी नंबर, अब इसने होल बना ली इधर 4 होल, 1 2 3 4, और टोटल इंसेक्ट्स कितने खाने को मिल रहे हैं उसको, 18 इंसेक्ट्स खाने को ये मिल रहे हैं। तो ऐसे कौन-कौन से होल में ये लिजर्ड जाती है, जाता है कि उसको 18 इंसेक्ट्स खाने को मिल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट वो कहा जाता है, लिजर्ड जाते हैं 6 6 फिर जा कहां 3 में, 6 के बाद 3, ये अपन 3 के 6 देन 3 देन 9, यहां पर हमने निकल 9 देन 9 के बाद 0, तो ये सॉल्व में उसको क्या मिला 0। तो आप 6 स्टार्टिंग फ्रॉम 6 काउंट 3 मोर, 6 से काउंट 3 मोर किए तो 9 आया, 9 प्लस 9 क्या हुआ 18, 18 में प्लस 0 करेंगे तो क्या आ गया 0 कोई नहीं होगी, तो 0 18 इज इक्वल टू 18। तो यहां पर टोटल ये चारों संख्याओं का योग क्या हुआ, टोटल क्या हुआ 18 आया है ना, तो उसको कौन से क्या इंसेक्ट खाने के लिए 18 इंसेक्ट खाने के लिए मिल रहे हैं। और कौन-कौन से रास्ते से जारी करता है पाथ को एक कर टेक करती है 6 3 9 0 6 3 9 0। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि नंबर, इसमें भी वो और पाथ जाती है ना, वो में जाती है और उसको टोटल इंसेक्ट खाने के लिए मिल रहे हैं 12 इंसेक्ट खाने के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से रास्ते से होकर जाती है तो उसको टोटल 12 इंसेक्ट खाने के लिए मिल रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट क्या है घूमे गए, टू के बाद 1 के बाद जाता है 0 में गए, तो यहाँ पर हमने दिया 0 और 0 के बाद कहाँ गई 9, यहाँ हमने दिया 9। तो आप इस ओर पे जाते हैं तो उसको कितने इंसेक्ट खाने के लिए मिल रहे हैं 2 इंसेक्ट, नेक्स्ट 1 इंसेक्ट, और नेक्स्ट ये ओर में गए तो उसको कितने इंसेक्ट खाने के लिए मिल रहे हैं 0 इंसेक्ट, और लास्ट में 9 इंसेक्ट खाने के लिए मिल रहे हैं। तो टोटल वैल्यू ऑफ इंसेक्ट्स 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 12। अब स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टू काउंट 1 मोर, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3 प्लस 9, 3 में 9 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। इस तरह आप इधर रिजल्ट के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने बुक में ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और बुक में क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी कॉपी में सॉल्व करिए और सॉल्व करके अपनी सेंड करिएगा। ओके, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट से अगले चैप्टर से हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 11 लाइंस के बारे में। सो आप ये चैप्टर कंप्लीट करिए और कंप्लीट करके हमें सेंड करिए। ओके, थैंक यू।